जिस मऊ की पहचान कल्पनाथ राय से शुरू होती है, उसी कल्पनाथ राय की मूर्ति को लगवाने के लिए अब उनकी बिटिया वैष्णवी राय को मंत्रियों को ज्ञापन देना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, आज मऊ में मंत्री एके शर्मा आए थे, वहीं मंत्री नगर विकास मंत्री भी हैं। एके शर्मा को ज्ञापन देकर पिता कल्पनाथ राय को श्रद्धांजलि स्वरूप आज वह एक मूर्ति लगवाना चाहती हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस मऊ की पहचान कल्पनाथ राय से शुरू होकर कल्पनाथ राय पर खत्म होती है, आज उनको एक मूर्ति लगवाने के लिए तरसना पड़ रहा है। तिराहे पे लगाने का ज्ञापन दे रही है कल्पनाथ राय की। अरविंद शर्मा। देखा जाए तमाम पार्टियां जो कल्पनाथ राय विकास स्वरूप से उनकी बातें करती हैं और आज खुद उनकी बेटी को ले रहा है। हाँ, तो जब हम पापा का नाम जिंदा रखेंगे तभी तो यहाँ पे आए हैं उनकी मूर्ति लगवाने के लिए। नाम सब लेते हैं, इसीलिए उम्मीद है कि उनको ये ज्ञापन दूँ तो मूर्ति भी लग जाए पापा की, बीजेपी की। हालांकि इस बीच मंत्री एके शर्मा ने जहां विभिन्न कार्ययोजनाओं का लोकार्पण किया, वहीं मऊ सहित मधुबन में भी करीब करीब कुल 30 करोड़ से ऊपर के कार्ययोजनाओं का लोकार्पण सहित उनका उद्घाटन किया। इस बीच मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मऊ में जहां यूपी स्टेट यानी प्रभा मिल को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित की जाने की बातें कही, वहीं मऊ के पालिका कम्युनिटी सेंटर में 250 से ऊपर की क्षमता का ऑडिटोरियम भी खोलने की बातें कही। हालांकि नगर विकास मंत्री एके शर्मा लगातार मऊ में अपनी गतिविधियों से चर्चाओं में बने रहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मऊ में विकास करना है तो अपराधियों से दूर रहना पड़ेगा और अपराधियों को दूर रखकर ही मऊ के विकास को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने सरकार ने कहा कि भाई इतना छोटा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, कुल मिला के 400-500 करोड़ रुपए की बात है, कृपा करके निपटारा करिए इसका। हमारे अधिकारियों ने भी सहयोग किया, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो सारा का सारा निर्णय हमें कुछ हफ्ते पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें वो निर्णय हो गया है। और अब सरकार ने कहा है कि ये जो 300-500 करोड़ रुपए या तो सरकार का जो था उसको सरकार माफ़ करेगी, माफ़ कर रही है, और जो अन्य संस्थाओं को देना था वो सरकार अपने खजाने से उन संस्थाओं को वो पैसा दे देगी। इस प्रकार ये जमीन जो है भार मुक्त हो गई, कर्ज मुक्त हो गई, और उस कर्ज मुक्त हुई जमीन पे हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल औद्योगिक संकुल बनाएंगे। ये निर्णय माननीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य की हमारे राज्य की कैबिनेट ने अभी 2 सप्ताह पहले लिया, जिसकी मैंने उस समय भी घोषणा किया था। एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है मऊ में और उसमें आप लोगों के आशीर्वाद। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।